सीरिया का हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि अलेपो में विद्रोहियों के नए हमले ने सरकारी बलों को पीछे धकेल दिया। बशर अल असद की सरकारी सेना ने HTS के नेतृत्व वाले लड़ाकों के अचानक हमले में काफ़ी ज़मीन खो दी है। HTS ने अलेपो के कई गांवों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण कर लिया, जो दमिश्क से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले से ही अस्थिर मध्य पूर्व में सीरिया में अशांति और गोलीबारी की खबरें वापस आना निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है। जैसे जैसे ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है, सीरिया के एक के बाद एक फिर से गृह युद्ध में फंसने इसकी आशंका गहरा गई है, और अब पूरी दुनिया का ध्यान फिर से HTS पर आ गया, जो कभी आतंकवादी समूह अलकायदा से जुड़ा हुआ था। इस्लामिक संगठन हयात तहरीर अल शाम के बारे में जानते हैं, जो सीरिया में ताज़ा हिंसा के पीछे मुख्य विद्रोही लड़ाकू बल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2018 में हयात तहरीर अल शाम HTS को विदेशी आतंकवादी संगठनों FTO की सूची में शामिल किया था। सीरियाई गृह युद्ध के शुरुआती दिनों से अस्तित्व में आया HTS अल कायदा से संबंध जबात अल नुसरा का एक अंग है। हयात तहरीर अल शाम का अंग्रेजी में मतलब है लेवेंट की मुक्ति के लिए संगठन। इदलिब से चलने वाले इस संगठन ने अपने चरम पर सीरिया के अलेप्पो, हमा, डेरा और दमिश्क में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। सशस्त्र संघर्ष स्थान और घटना डेटा ACLAD के मुताबिक हयात तहरीर अल शाम उत्तर पश्चिमी सीरिया में सबसे शक्तिशाली सरकार विरोधी सशस्त्र समूह बना हुआ है। शुरुआत में इस संगठन को फारस की खाड़ी के समर्थकों से भारी भरकम फंड मिलता था। नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भारी भरकम टैक्स लगाकर ये काफ़ी फंड जुटाता रहा। 2017 में सलाफी जिहादी विचारधारा से प्रेरित समूह खुले तौर पर अलकायदा से अलग हो गया, और वर्तमान में इसका नेतृत्व अबू मोहम्मद अल गोलानी कर रहा है। अमेरिकी स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के अनुसार विभाजन के बावजूद HTS सिद्धांत के लिहाज से अलकायदा के साथ एक गुप्त संबंध रखता है और इस्लामिक आतंकवादी संगठन से रणनीतिक और ऑपरेशनल गाइडेंस हासिल करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।